मैं आप लोग के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैं ये क्रीम रिव्यू करने लगी हूँ जो कि आप लोग को नज़र आ रही है। चले आए आप इसका नाम पढ़ते हैं। इसका नाम है ग्लो एंड क्लीन। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि मैं इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ जो लोकल क्रीम्स यूज़ करते हैं। मतलब मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगते थे, जैसे कि गोल्डन पर्ल का बहुत ज़्यादा नाम है, गोल्डन पर्ल, फाइज़ा, बहुत ज़्यादा ये भी है, आपको पता है मार्केट्स में। तो मैं ख़ुद बड़ा मुझे होता था, बड़े अट्रैक्टिव लगते थे, लेकिन वो डैमेजिंग स्किन बहुत ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से मैं उसको यूज़ कर देती थी। ये नहीं कि मैं नहीं करती थी, बट उसकी इतनी चिपचिपाहट होती थी और उसको लेप करना पड़ता था और यूज़ करना पड़ता था, और जब तक यूज़ करो तो बड़े अच्छे लगते थे और जब यूज़ करना छोड़ देते तो अपने कलर टोन से भी डार्क लगना शुरू हो जाते थे। इस वजह से मैंने छोड़ना बंद कर दिया और मैं स्विच हुई मेडिकेटेड क्रीम पे। बट चलो, जिनकी लड़कियों की शादियाँ हो रही है, जिनका कलर बहुत ज़्यादा डल हुआ हुआ है, जो इंस्टेंट बेस पे कलर चाहती है, जो ईद के लिए चाहती है, उसके अलावा हर फंक्शन, कज़न के फंक्शन पे, भाई के फंक्शन पे ऐसे चाहती है, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये क्रीम। लेकिन इसका एक मेथड है, आप लोग एंड तक ये वीडियो देखिएगा, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको स्किप करेंगे तो आप लोग को इसके मेथड का बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। और जिस मेथड से मैं आप लोग को यूज़ करना सिखाऊंगी, अगर आप लोग उस मेथड पे चलेंगे तो आप लोग को कोई साइड इफ़ेक्ट इंशाल्लाह नहीं होगा, अल्लाह की फजल से। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ। ये क्रीम जो है ये दावा करती है कि विजिबल रिज़ल्ट देती है 5 डेज़ में। इसका नाम है ग्लो एंड क्लीन। ये क्रीम जो है फ्रिंकल्स रिमूव करती है, पिगमेंटेशन रिमूव करती है और मोर वाइटनिंग देती है। उसके अलावा इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसके डब्बा भी एज इट इज़ था जो कि मैंने फेंक दिया हुआ है। और इसका तकरीबन मेरे कोई पाँच माह हो गए जो मैंने इसको मंगवाया था ऑनलाइन। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता है फ़र्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा सिर्फ ये एक कराची में एक शॉप है जिससे मिलता है, वो मैं आप लोगों को, उसकी लिंक तो मेरे पास नहीं है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं तो उनका नंबर मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी, जिस नंबर पे मैंने इसको मंगवाया था। ये मैंने खाली क्रीम नहीं मंगवाई थी, इसके साथ एक सीरम है, वो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसका सीरम और फेस वॉश भी है, ये एक पूरा पैक मिलता है। तो फेस वॉश भी मैंने यूज़ किया हुआ है और उसके अलावा सीरम भी यूज़ किया हुआ है। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके रिव्यू भी मैं आप लोगों को, जब आप लोग चाहें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसके रिव्यू भी दे दूँगी। ये एक सेट है। तो चले आए बात करते हैं इसके यूजेज पे। इसको मैंने यूज़ किया हुआ है, ये फ़र्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया था, मैंने रात को लगा के इसको, फिर मैं सुबह उठी, यकीन माने इतना कोई अच्छा रिज़ल्ट, इतना अच्छा रिज़ल्ट, मैं खुद हैरान थी कि एक ऐसी चीज़, क्योंकि ये दावा करती है कि ये क्रीम जो है इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सारे दावे करती है। तो मैंने कहा ये क्रीम कैसे हो सकती है कि एक दिन में मतलब रिज़ल्ट देती है, इतना अच्छा स्किन, बड़ा क्लियर स्किन, बड़ा वाइट स्किन कर देता है। तो मैंने इसको सेकेंड डे भी यूज़ किया, थर्ड डे भी यूज़ किया। ये देखे इसका यूज़ मैंने कितना किया है इसको, ये देखें। अच्छा, उसके अलावा आप अगर इसको 7 डेज़ यूज़ करेंगे ना, जैसे रिज़ल्ट आप लोग को वाइटनेस मिली हुई है, आप लोग को वाइटनिंग प्रोवाइड हो गई हुई है, तो फिर इसको आप लोग अगर इसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो वो जिस तरह आप लोग को रिज़ल्ट दिया हुआ उससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे आप मेरे हैंड्स को, सॉरी हैंड को देख रहे हैं, इसका ये कलर है, ठीक है ना। अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो इससे दो 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 टोन तो ऊपर जाएगा जाएगा, मतलब इस क्रीम की उस पर लगाने से, तो फिर 3 टोन नहीं जाएगा, वो 2 टोन ही रहेगा। अगर आप उसको 10 दिन भी यूज़ करेंगे ना तो एज़ इट इज़ वही रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों को, उससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेशन जो होती है, लालच बुरी बला है, वो वाली चीज़ होती है, बंदा कहता है तो 2 टोन दिया हुआ है इससे, फिर मैं 15 दिन में यूज़ कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और कर लेता हूँ और कर लेता हूँ, तो ये गलत चीज़ है। जिस तरह मैं आप लोग को मेथड बताऊँगी
उसी तरीके से यूज़ करना है। अगर उस तरीके से आप यूज़ नहीं करेंगे और साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को मिलेगा तो उसकी ज़िम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। जो मैं अपने लिए चाहूँगी वो मैं आप लोगों के लिए चाहूँगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी वो लालच मत करिएगा। जैसे मैं बताने लगी हूँ वैसे ही करेगा। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आपने इनको लेप करके लगाना है, इतना ज़्यादा लेप नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद कल अगले दिन आप लोगों ने लगाना है तो थोड़ा सा, थोड़ा कम मिकदार में। फिर तीसरे दिन लगाना है थोड़े मिकदार में। आपने थोड़ा थोड़ा, आपने फर्स्ट इतना लगाना है, फिर थोड़ा 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 कर करके आपने एक मटर के दाने तक यूज़ करना शुरू कर देना। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, हफ्ते में इसको तीन दिन यूज़ करना है या चार दिन यूज़ करना है। इसके अलावा आप लोगों ने बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करना। एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना है। फर्स्ट वीक आपने मुकम्मल यूज़ करना है, 5 से 6 दिन मुकम्मल रेगुलरली यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको सेकंड हफ्ते में इसको स्किप करके फर्स्ट एक दिन यूज़ करना है, एक दिन नहीं करना, एक दिन यूज़ करना है, एक दिन नहीं करना। उसके बाद तीसरे हफ्ते में आप लोगों ने उसको एक दिन यूज़ करना है, दो दिन नहीं करने, एक दिन यूज़ करना है, दो दिन नहीं करने। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? इसी तरह आपने यूज़ करना है तो आप लोग के रिज़ल्ट मेंटेन रहेंगे। उसके अलावा आप लोगों को कोई इंशाल्लाह कोई पिंपल वगैरह नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा और आप लोग का स्किन मेंटेन रहेगा और स्किन भी क्लियर रहेगा। उसके अलावा फोर्थ वीक जो है आप लोगों ने इसी तरह करना है जो थर्ड वीक में है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम करना है इसको, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, इसको आपने कम यूज़ करना शुरू कर देना है। दो दिन तीन दिन छोड़ दे, दो दिन छोड़ दिया, यूज़ कर लिया, कभी लेप कर दिया, कभी बहुत मटर के दाने से कर लिया, इस तरह आपने इसको यूज़ करना है तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। वरना आप लोगों के लिए ये मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करेगी। ये लोकल क्रीम है, ये कोई मेडिकेटेड क्रीम नहीं है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है कि ये मेडिकेटेड क्रीम है। ये एज अ इस तरह लोकल क्रीम है, जैसे ये देखें, जैसे ये गोल्डन पर्ल होता है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कोई, ये देखें। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके टेक्सचर का बताती हूँ। जैसे आम क्रीम होते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि इतना ज़्यादा जैसे गोल्डन पर्ल वगैरह क्रीम है या फाइजा क्रीम है, उस जैसे ज़्यादा ऑयली क्रीम नहीं है ये, मतलब ऑयली इतना नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये देखें अपने, ये है, ये देखें। मैं इस तरह यूज़ करके बताती हूँ मैं आप लोगों को, ऐसे करके ये देखें। चलें अब ये फिंगर देखें, ये देखें। और इसको आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है, ऐसे लेके ऐसे करके, फर्स्ट टाइम जो होता है, फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे इसको ऐसे करके, इतना ऐसे करके लेप करके यूज लगाना है। मलना बिल्कुल भी नहीं है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे करके आप लोगों ने इसको लगा के छोड़ देना है। और बेड टाइम से कोई एक घंटा पहले यूज़ करना है कि बेड पे आप आके पिलो के साथ टच ना हो या इस तरह ना हो, इस तरह यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको मेथड बताया है वैसे यूज़ करना है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट बेसिस पे वाइटनिंग चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट क्रीम है, गोल्डन पर्ल से बेस्ट है, मैंने खुद यूज़ की है, बहुत अच्छी क्रीम है। लेकिन मैं यही बात करूँगी, लोकल क्रीम है, इसको आप लोग इतनी ज़्यादा आदत मत देना कि आप लोग इसके बगैर रह ना सको फिर, इसलिए इसको इतना ज़्यादा नहीं लगाना। अपनी लाइफ का एक साइड पार्ट रखना है आप लोगों ने, जैसे दो तीन दिन बाद लगा लिया। और मैंने बायोफेट की एक क्रीम मेडिकेटेड रिव्यू दी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जाए और आप लोग उसको देखें, आप लोग को पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने उसको भी देख, मेडिकेटेड को भी देख लेना है, इसको भी देख लेना। अब आप लोग की चॉइस है आप लोगों ने कौन सी क्रीम लेनी है। आप लोग लिंक मैं शेयर करूँगी, आप लोग जाए उस क्रीम को भी ज़रूर ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैं उसको भी मैंने एक हिस्सा बनाया हुआ है और इसको भी हिस्सा बनाया हुआ है, तकरीबन कोई महीना हो गया या 20 महीना तकरीबन हो गया कि इसको मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इसको रखा हुआ है कि मेरा स्किन जिस टाइम डल हो जाता है उस टाइम मैं इसको थोड़ा सा फिर यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, ये मेरा स्किन का अपना टोन है, ये देखें, ये मेरा स्किन टोन अपना है, तो इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा
हार्मफुल हो जाते हैं और ज़्यादातर गर्मी में ये चीज़ें लगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको भी रखें और बायोफेट जो मेडिकेटेड क्रीम है उसको भी रखें, तो आप दोनों उसको मैनेज कर लिया करें, इन दोनों को। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैनेज करके रखा करती हूँ मैं। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है। ये सर्दियों में मैंने यूज़ किए हुए, बहुत कमाल का रिज़ल्ट देता है। तो ये सर्दियों में बहुत काम देता है। उसके अलावा गर्मियों में मैं ज़्यादातर बायोफेट यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छी क्रीम है। आप लोग जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो, आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की ऑनेस्ट वीडियो। तो उसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि इसका सीरम का रिव्यू भी मैं आप लोग को दे दूंगी और फेस वॉश का भी दे दूंगी। उसके अलावा अगर आप लोग इसको मंगवाना चाहते हैं तो मैं आप लोग को नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ऐसे मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकती हूँ, इस समय मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने पेड नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर सकती हूँ। जिस जिसको चाहिए होगा उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगी लिंक। उसके अलावा एक और बात मैं कहना भूल गई हूँ, इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गर्मी में मत यूज़ किया करें प्लीज़, क्योंकि देखिए हर इंसान का स्किन जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब मैं नहीं कह सकती हूँ, मेरा ड्राई टू मीडियम स्किन है, लोगों की ऑयली स्किन भी हो सकते हैं, तो मैं हर इंसान की गारंटी नहीं ले सकती हूँ। हाँ, मैं अपने चीज़ अपने पे यूज़ करके उसके बाद कर सकती हूँ, तो मैंने यूज़ कर लिया है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के सर्च किए, मैं ख़ुद यूज़ किए, ख़ुद अपने पे रिस्क ले के मैंने यूज़ किया हुआ है। तो प्लीज़ काइंडली एक्सेसिव गर्मी में इसको प्लीज़ मत यूज़ करिएगा। उसके अलावा इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन लोकल क्रीम है ये, मैं फिर कहूँगी। तो इसके अलावा इसको इतना मत वो करना, अपने ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा मत बना लेना, इसको मीडियम ही रखना है अपने लाइफ में। एक दो दिन गैप दे के इसको यूज़ करना है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, ये आज की मेरी वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है ये वीडियो, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा वायरल करें, उसको आप पहुंचाएं अगलों तक, कि लोग अगलों को भी हेल्प हो जाएगी, मेरे खुद मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ तो अगले मुझे अप्रिशिएशन भी दे दें, तो अप्रिशिएट भी मुझे करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी अगर मुझे प्यार देंगे तो मैं भी आप लोगों को खैर से प्यार दूंगी, इसी तरह मैं प्यार करूंगी आप लोगों से, इसी तरह आप लोग की हेल्प किया करूंगी, आप लोग भी मुझे प्यार करिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार इन द सेंस कि आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी सब यूट्यूब फैमिली है आप, तो अब हर चीज़ में जब यूज़ करूँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो। तो चलिए बातें ख़त्म करते हैं, यही थी मेरी आज की वीडियो, आज के रिव्यू मेरा यही था, तो इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।